सोलन अस्पताल में मानक पूरे न होने की वजह से डीएनबी के तहत एमडी के समक्ष कोर्स करने वाले चिकित्सकों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि प्रशिक्षु चिकित्सकों को शिक्षा दे रहे चिकित्सक यहां से ट्रांसफर हो गए हैं और नए चिकित्सक को नियुक्त नहीं किया गया है। यही कारण है कि प्रशिक्षु चिकित्सकों की शिक्षा बीच में अधूरी रह गई है। ये चिकित्सक जहां एक और अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करते थे और रोगियों का उचित इलाज भी करते थे, लेकिन अब ये चिकित्सक अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार जल्द चिकित्सकों की नियुक्ति करे ताकि उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। रोष प्रकट करते हुए डीएनबी से एमडी समक्ष कोर्स कर रहे सोलन में तैनात राकेश कुमार चिकित्सक ने कहा कि सोलन अस्पताल में दो, जिला मंडी में चार चिकित्सक अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अब वरिष्ठ चिकित्सक ना होने की वजह से वे अपना कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएनबी को जो मानक चाहिए वे प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि डीएनबी और चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल नहीं भेज रही है, जिसका असर उन पर तो हो ही रहा है, साथ में इलाज करवाने वाले रोगियों पर भी इसका निकट भविष्य में दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि प्रदेश सरकार के पास चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, जो चिकित्सक उच्च शिक्षा के लिए यहां आए थे उनके मानक पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वे अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और ना ही और चिकित्सक यहां आएंगे। इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे चिकित्सक जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। प्रेस क्लब सोलन ने दूसरा मेडिकल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इसमें बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। इसमें बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर एमडी बुधराम ठाकुर, बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता शामिल हुए। चिकित्सा शिविर में महर्षि मार्कंडेय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित लखानी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत गुप्ता और मेडिसिन से डॉक्टर नीतीश ठाकुर ने मरीजों की सेहत की जांच की। इस दौरान शहर व आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई। जाँच के बाद सभी मरीजों को प्रेस क्लब की ओर से निःशुल्क दवाइयाँ बांटी गयी। कार्यक्रम के दौरान बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता ने अपने संबोधन में प्रेस क्लब को इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब काफी समय से सामाजिक कार्य में भी अपना दायित्व निभा रहा है। सोलन के चिल्ड्रन पार्क में सोलन प्रेस क्लब द्वारा एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें काफी लोगों ने नया इलाज के लिए आए और उनको मुफ्त में दवाइयाँ, मुफ्त में चेकअप यहाँ पे उन्होंने करवाया है। इसका बहुत ही आभार करता हूँ मैं सोलन के प्रेस क्लब का, जिन्होंने ऐसे ऐसे शिविर सोलन में आयोजित किए। मैं भी अपने ब्रदर को यहाँ पे लेके आया हूँ, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चलाया है, हमने शुरुआत की है। सोलन द्वारा एक चिकित्सा शिविर लगाया गया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, और हाँ, मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे से इनका ट्रीटमेंट किया गया, मेडिसिन भी बड़े अच्छे से दी गई और मुझे लगता है सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सराहनीय कदम है जो प्रेस क्लब द्वारा उठाया गया है और मुझे लगता है ये आगे भी चलता जाना चाहिए। वहीं इस मौके पर निशुल्क सेवा का लाभ उठा रहे रोगियों ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रेस क्लब सोलन ने मेडिकल कैंप लगाकर बेहद सराहनीय कदम उठाया है।
इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के जाने माने चिकित्सकों ने न केवल उन्हें मेडिकल परामर्श दिए बल्कि उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की, जो कि एक प्रशंसनीय कदम है। सोलन में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। सर्दियां खत्म हो चली हैं और गर्मियां आरंभ हो चुकी हैं। सर्दियों में इस बार बेहद बारिशें हुई हैं, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं गर्मियों में पानी की कमी ना हो जाए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो उनका असर खेती पर पड़ेगा और जो उम्मीद वे इस बार फसल से लगाए हुए हैं उस पर पानी फिर जाएगा। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मौसम अभी तक बेहद बढ़िया रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा रहेगा इसको लेकर वे बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिन में बारिश होने से खेतों में भारी नमी थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ने के कारण ये चिंता सता रही है कि निकट भविष्य में पानी की कमी ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसका गलत प्रभाव फसल पर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से गुजारिश की है कि वे पानी के लिए उचित प्रबंध करवाए और किसी भी तरह पानी की कमी ना आने दें।